नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक दिन बाद एक बार फिर से नए केसों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 13,451 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 585 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन पहले देश में 12,428 नए मरीज रिपोर्ट किए गए थे। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक देश में 3,42,15,653 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से अब तक 4,55,653 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक 3,35,97,339 लोग कोरोना से रिकवर होने में सफल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 14,021 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। देश में अब 1,62,661 सक्रिय मामले हैं, जो पिछले 242 दिनों में सबसे कम है। देश में रिकवरी रेट 98.19% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.22% है, जो कि पिछले 33 दिनों से 2% से नीचे बनी हुई है। राज्यों की बात करें तो केरल से सबसे ज़्यादा दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। केरल में मंगलवार को 7,163 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 90 मरीजों ने जान गंवाई। राज्य में 48 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 29,355 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। यहाँ मंगलवार को 1,201 नए मरीज रिपोर्ट किए गए, जबकि 32 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब तक 66 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,40,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में मंगलवार को 1,090 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 15 और मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसी तरह असम में 347 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। 26 अक्टूबर तक देश में 1,53,53,25,577 कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। बीते दिन 55,89,124 वैक्सीन डोज लगाए गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।